Hey guys, welcome back to Score Good. So today we are going to do chapter number 1, which is What is Democracy? Why Democracy? Of Political Science class 9th. This is part 2. If you have not watched the part 1 video, then please go and watch it. Its link is available in the description box. So let's get started. So first of all, let's see the arguments against democracy. So let's see the first argument, which is against democracy. So the first argument is leaders keep changing in democracy. This leads to instability. जो ruling leaders होते हैं वो democracy में change होते रहते हैं. So this leads to instability. Now the second one is that democracy is all about political competition and power play. क्या मतलब हुआ इसका कि democracy पूरा पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले पर ही बेस्ड है. देयरफॉर देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी. द थर्ड आर्ग्यूमेंट इज दैट इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, दोज लीडर्स हु आर इलेक्टेड टू रूल द कंट्री, उन्हें लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से नहीं पता होता. सो दैट इज़ वाई इट लीड्स टू बैड डिसीजन मेकिंग. The fourth one is that democracy can lead to corruption. Why? Because it is based on electoral competition. क्योंकि democracy electoral competition पर based है, that is why it can lead to corruption. The fifth one is that ordinary people don't know what is good for them, so they should not decide anything. क्या कहते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल जो है, मींस जो नॉर्मल लोग हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनके लिए क्या सही है, तो इसीलिए उन्हें कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए. नाउ लेट्स सी द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विच इज़ इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर है क्योंकि ये ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. सेकेंड वन इज़ इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. सो सिंस इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयरफॉर ये डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है. थर्ड इज़ इट प्रोवाइड्स मेथड्स टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. डेमोक्रेसी ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करती है जो कि डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से डील करने में हेल्प करे. फोर्थ वन इज इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. डेमोक्रेसी सिटीजन्स की डिग्निटी को एनहांस करता है. फिफ्थ वन इज इट इज़ बेटर देन अदर्स एज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स. डेमोक्रेसी दूसरे गवर्नमेंट से बेटर है क्योंकि ये खुद की मिस्टेक्स को सही करता है. नाउ वी कैन से दैट डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल एज इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डिमोस क्रेटिया, एंड डिमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल. देयरफॉर इट्स मीनिंग इज पीपल्स रूल. So that is all for today's video. If you like this video, then please like, subscribe and share my channel. Thank you.